हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम तुम गणित बहर जो अष्टम अध्याय रही व्यवहारिक गणित तार अभ्यास कार्य 8.2 रा प्रश्न उत्तर गुड़िक देखा। तो देखो अभ्यास कार्य करिया पूर्व आमको प्रथम किसी बेसिक जिनस जाना पड़ो। कौन ना देख आम यहाँ करवा कौन लाभ क्षति आ शतकड़ा लाभ आ शतकड़ा क्षति ये चैप्टर करवा। तो आमको प्रथम जानवाक पड़ो किणा दाम कौन। तो देख किणा दाम होची ना क्रय मूल्य। तो आम जो गोटे जिनस किणती तो सेटा होची आमपाई किणा दाम। तापर देख बिक्री दाम आम कौन कहीपर विक्रय मूल्य बा सेलिंग प्राइस। तो जिते बड़े गोटे दोकानी कौन से जिनस को बिक्री करे जो टंकर से जीत दाम बिक्री करे सेटा होची कौन विक्रय मूल्य। तो तुमने या जाच क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तुम्हें अल्प बहुत किसी जाच। तो देख तो मुझे लिखिदे देख ना किणा दाम ठारू बिक्री दाम अधिक हेल्ले लाभ हुए ठीक अच्छे। तो आम जाना कत लाभ केमती हम ना जिते देखा कौन सी जिनसर किणा दाम ठारू जो बिक्री दाम अधिक हे तो सेतर लाभ हे। तो से लाभर सूत्र कौन ना बिक्री दाम माइनस किणा दाम माने बिक्री दाम जेहेतु अधिक होणा दाम ठारू तो बिक्री दाम रो किणा दाम फेड़ीदे तो आम जापर आमर के लाभ होपर। देख शतकड़ा लाभर सूत्र से भाई कौन है तो शतकड़ा लाभर सूत्र हम लाभ बाय किणा दाम इंटू 100 है। तो ये सूत्र गुड़िक तुमने प्रथम आगे मन रख ठीक अच्छे। आउ ये अभ्यास जो रही उदाहरण गुड़िक तुम्हें कर ठीक अच्छे। ये सूत्र को पकई तुम से उदाहरण गुड़िक आराम से कर उदाहरण कलापर अभ्यास कार्य करा बहुत सहज हे ठीक अच्छे। तो तुमको मुझे एमती भाव में बुझेमी योटे देखला तुम लाभ क्षति आ शतकड़ा लाभ आ शतकड़ा क्षति में कौन सी डाउट रही है ठीक है। तुमको खाली गोटे काम करा पड़ो सूत्र गुड़िक मन रखा पड़ो ठीक अच्छे। वीडियो को फास्ट रू शेष जाए देखा पड़ो। तो तापर देख जदि आमर किणा दाम ठारू बिक्री दाम ठीक अच्छे किणा दाम ठारू बिक्री दाम कम हेले क्षति हुए ठीक अच्छे। तो जदि जड़े दोकानी गोटे जिनस को जिते टकर से कम टकर बिक्री करे तो तार क्षति हे ठीक अच्छे। तो तुम्हें तुम भाव सपोज तुम्हें गोटे जिनस 10 टकर ताकू जदि तुम 10 टका ऊपर को बिक तेज 11 हो कि 12 टकर हो कि 13 टकर हो जहाँ भी 10 टका जब अधिक दाम रे बिक्री कर तो तुम लाभ हम जीत अधिक बिक हम तुम लाभ ठीक अच्छे। जदि तुम 10 टकर कम दाम रे बिक तो तुम कौन हम क्षति हे ठीक अच्छे। तो जितेबाला आम लाभ किंबा क्षति बाहर करवा तो आमको प्रथम क्रय मूल्य जाणीवा दरकार। बिना क्रय मूल्य आम कौन सी जिनसर लाभ किंबा क्षति बाहर करना। तो जितने क्रय मूल्य आमको जना थो तो आम से जिनसर लाभ है कि क्षति है तो आम आराम से काढ़ी पारिबा ठीक अच्छे। तो आमको प्रथम जानवाक क्रय मूल्य। तापर देख तो से शतकड़ा क्षतिर सूत्र कौन ना क्षति बाई क्रय मूल्य इंटू 100 ठीक अच्छे। तो आम प्रथम शतकड़ा क्षति बाहर करवा तो आम बाहर करवा प्रथम कौन क्षति। तो क्षतिर सूत्र कौन किणा दाम माइनस बिक्री दाम क्षति बाहर कलापर तो आम तापर शतकड़ा क्षति सूत्र किया क्षति आम जिते क्षति होती क्षति लिखा क्रय मूल्य आम जो किणा दाम जो किणी इंटू 100 गुणीदे आमर शतकड़ा क्षति बाहर। तो पाने तुमको मुझे सूत्र गुड़िक देखिए तुमने ये सूत्र गुड़िक तुम मान खातर लिखिक आगे मन रखीदेव ठीक अच्छे। तो देख से भाई देख विक्रय मूल्य है तो देखिए विक्रय मूल्य कमी बाहर ना क्रय मूल्य रू जदि आम क्षति फेड़ा जदि कौन प्रश्न आमको क्रय मूल्य दे क्षति दे तो जदि पचारे विक्रय मूल्य कमी बाहर तो आम यही सूत्र पकेबा कि क्रय मूल्य रू जदि आम क्षति को वियोग करवा आमर कौन विक्रय मूल्य बाहर। से भाई जदि क्रय मूल्य दे प्लस लाभ दे तो आम क्रय मूल्य लाभ जदि जोग करदे तो आमर बाहर भी विक्रय मूल्य बाहर। तापर देख क्रय मूल्य किपर बाहर ना जदि आम विक्रय मूल्य रू लाभ को वियोग करवा तो आम क्रय मूल्य बाहर। आदि विक्रय मूल्य जदि क्षति दे तो विक्रय मूल्य रू विक्रय मूल्य क्षति जदि आम जोग कर तो आमर भी क्रय मूल्य बाहर ठीक अच्छे हेला। तो यही सूत्र गुड़िक तुमने खाता लिखि मन रखिदेव आ बहर जो उदाहरण देखिए तुम्हें कर बहुत सहज लगे। तो देख एवं आम अभ्यास कार्य करवा। देख अभ्यास कार्य 8.2 एक नंबर कौन देखिए ना जड़े व्यक्ति 1200 टकर 40 टी खेलनाकार कि 16% लाभ बिकिले प्रत्येक खेलनाकार को से के दाम बिकिले। तो देख
आमे कौन लिखा ना 40 खेलना कार रो किना दाम हूँ कैसे 1200 टाँह। ठीक अच्छे तो आमर लाभ के रख 16 शतकड़ा। ठीक अच्छे तो आम जाच 40 खेलना कार जदि दाम हूँ 1200 टाँह यदि सी आमको लाभ दे था टकर। ठीक अच्छे तो आम से अधिक कर बिकि था। देख धर तुम्हें गोटे जिनस किण 10 टकर तुम्हें सहीटा को से जिनस जो बिकव से तुम 2 टका लाभ करने चाहो तो तुम्हें केत बिकव से 10 टका तो प्लस रहा एक्सट्रा जोटा लाभ करने चाहिए मिसेक बिकव तो 10 2 टका लाभ करने चाहो तो 10 2 12 बिकव। ठीक से ये जो दे 40 खेलना कार किना दाम है 1200 टाँह तो लाभ ये हम 16 शतकड़ा। तो मान ये 100 टकर लाभ हम 16 शतकड़ा कि 1200 टकर लाभ के आम लिखा कौन ना 1200 16 शतकड़ा तो कौन हम लिखा 1200 है लिखा 1200 × 16 शतकड़ा मान 16/100 है तो ये 2टा 0 2टा 0 कटिगला 12 16 गुण दे लगे तो आमर 192 टका। तमें आम कौन बाहर करा बिक्री मूल्य तो ये 16 शतकड़ाटा के 192 टका तो आम बिक्री मूल्य बाहर करा तो बिक्री मूल्य सूत्र कौन ना क्रय मूल्य प्लस लाभ है तो क्रय मूल्य 1200 टका प्लस लाभ है 192 टका तो टोटाल आम 40 खेलना कार को 1392 टकर जब आम बिकवा तो आमर मोट उपर 16 शतकड़ा लाभ हम। तो तापर देख सी प्रश्न दे प्रत्येक खेलना कार को से केते दाम रे बिकले तो सी तो टोटाल 40 खेलना कार को 1392 टकर बिकले हम 16 शतकड़ा लाभ किंतु सी क्वेश्चन दे प्रत्येक खेलना कार को केते टंका रे बिकबे तो देख तो आम लिखिया कौन ना 40 खेलना कार जदि बिक्री मूल्य होउछि 1392 तो माने 1 खेलना कार बिक्री मूल्य केते हबो ना 1392 डिवाइडेड 40 है तो 1392 हरण 40 तो आमर केते हला ना 34.80 पैसा बा 34.80 पैसा। तो तुम मैंने ये जो हरवाटा तुम मैंने निजे हरिक देखिदेव। ठीक अच्छे एभली तुम आराम से कर देख तुम्हें मैंने आउ गोटे उपाय भी मैं कर देख ना देख 40 खेलना कार क्रय मूल्य के 1200 टका तो जदि 40 खेलना कार क्रय मूल्य हो 1200 टका तेने 1 खेलना कार क्रय मूल्य के 1200/40 आम 30 टका ऐकिक द्वारा आम जब कर तो देख लाभ हम 30 टकर 16 शतकड़ा तो मैंने गोटे को डायरेक्ट हिसाब करदे तो गोटे खेलना कार किणा दाम के 30 टका तो से लाभ रखिए कते 16 शतकड़ा तो मैंने 30 × 16/100 जो आम पकईद तो आमर गोटे जो 16 शतकड़ाटा केत 4.80 टका। ठीक अच्छे तो मैंने गोटे खेलना कार किणा दाम है 30 टका तो गोटे खेलना कार उपर लाभ रखा 4.80 टका तो बिक्री मूल्य के किणा दाम प्लस लाभ तम किणा दाम है 30 टका जो लाभ है 4.80 पैसा टोटाल 34.80 पैसा तो ये प्रत्येक खेलना कार बिक्री दाम 34.80 पैसा। तो मुझे 2टा उपाय करदेली तुमको जोटा सुविधा हाँ तुमने से उपाय कर। ठीक अच्छे तो तापर देख 2 नंबर 2 नंबर कौन दे ना गोटे बलद को 900 टकर बिकवर सुधाकर बाबूंर 10 शतकड़ा क्षति है तेरे से केते टंका रे बलदटी को किनी थिले केते टंका रे बिकी थिले तांकर 10 शतकड़ा लाभ होता। तो प्रथमे आमे काढ़ीबा ना सुधाकर बाबू जो बलदटी को किनी थिले तांकर क्रय मूल्य केते बा बलदर क्रय मूल्य केते काढ़ीबा तो देख तुम मान को फास्ट कही जेपर्यंत कौन सी जिनसर क्रय मूल्य तुम मैंने जान से पर्यंत लाभ किंबा क्षति कौन सी भी कार्य तुम करना तो से तो आमको प्रथम कौन करा पड़ो ना बलदर क्रय मूल्य गोटे आनुमानिक नाक पड़ो तो देख कौन लिखा ना मन करा जाऊ कि धरा जाऊ बलदर क्रय मूल्य है 100 टका आम अनुमान कर नौच सपोज से जो बलद को 100 टकर किणला है क्षति हुए केते ना 10 शतकड़ा तो 100 शतकड़ार क्षति 10 शतकड़ा मानने 10 शतकड़ा आम आराम से कटिज 10 हम। ठीक अच्छे तो सीने सब नब 100 1000 यही आनुमानिक मूल्य ने आम क्षतिटा को भग्न संख्य आस पड़बनी आम सहजे क्षतिटा को बाहर कर तो मैंने बिक्री मूल्य के देख क्षति जेहेतु क्रय मूल्य जेहेतु 100 तो क्षति है 10 शतकड़ा तो बिक्री मूल्य के 90 टका हम कारण क्षति 10 टका है ना तो 100 10 शतकड़ा हो 10 टका तो किसी 100 टकर क्षति हो 10 टका तो बिक्री मूल्य के 90 टका
ला तो आम एक ऐकिक धारा पक करवा तो एक कौन पकया ना 90 टाँह बिक्री हेले क्रय मूल्य हूँ आम 100 टाँह कारण आम 100 टाँह जदि गोटे जिनस किणी की 90 टाँह आम बिकवा तो आम 10 शतकड़ा क्षति हे से प्रश्न अनुसार तुम जदि आम 1 टाँह जदि 1 टाँह बिक्री बेले है तो बिक्री बेले लिख 1 टाँह बिक्री बेले तो क्रय मूल्य के 100/90 हम हाँ कि तापर देख तब जदि 900 टाँह बिक्री बेले क्रय मूल्य के 100/90 गुणन 9 है तो आम सी दे कौन बलदेटी को 9 टाँह बिकवर है तो मैंने लिखले कौन 900 टाँह बिक्री बेले तो क्रय मूल्य हम के 10/90 × 900 तो एमती हेल्ले कौन हम ना 10 शतकड़ा ही क्षति हम तो ये देख क्रय मूल्य के तो गोटे शून कटिगला 9 रे 90 काटिले 10 तो 110,000 तो जो बिक्री मूल्य 9 बेले क्रय मूल्य के 1,000 टाँह तो आ भर आम कौन हुए 10% क्षति हुए तो आम जाणीगले बलदर क्रय मूल्य के 1,000 टाँह तम से 1,000 टाँह किणिक 900 टाँह बिकवर तर 10 शतकड़ा क्षति हो तो तापर देख दे क्वेश्चन कौन ना से केते टंकर बिकी थे 10 शतकड़ा लाभ होता तो देख तर क्रय मूल्य है 1,000 टाँह तो लाभ केते हबो ना 10 शतकड़ा तो मैंने 1,000 रो 10 शतकड़ा केते हबो ना 1,000 × 10/100 है तो ये दुटा शून कटिगला 10 × 100 तो मैंने 1,000 रो 10 शतकड़ा हूँ 10% हूँ के 100 टाँह तो मैंने से बलदटी को किणी 1,000 टाँह केते टाँह बिकले 10 शतकड़ा लाभ हो तो 10 शतकड़ा मैंने 100 टाँह लाभ हम तो बिक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य प्लस लाभ तो मैंने 1,000 + 100 है 1,100 टाँह तो जदि से बलदटी को 1,100 टाँह बिकी थाते तो 10 शतकड़ा लाभ होता जेहेतु से 900 टाँह बिकी 10 शतकड़ा क्षति अच्छी कहीं से बलदटी को 1,000 टाँह किणी बुझिपारल तीन नंबर देख दे 10 टी नाली बेलून को 1 टाँह और 8 टी छिट बेलून को 1 टाँह किणी सबुतक बेलून को 1 टाँह बिकले शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हे तो देख से प्रथम कौन दी ना 10 टी नाली बेलून रिणा दाम है 1 टाँह आम देखा प्रथम 10 टी नाली बेलून रिणा दाम है 1 टाँह तापर 10 टी छिट बेलून रिणा दाम है 1 टाँह है तमाने से 10 टी नाली बेलून किणा दाम है टाटे 1 टाँह आ 10 टी छिट बेलून किणा दाम है 1 टाँह तो टोटाल से कतोटी बेलून कि टोटाल ये 10 10 18 टी तो 8 टी बेलून किणा दाम के 2 टाँह ठीक है तो एम लिखा आम 8 टी बेलून किणा दाम है 2 टाँह तब देख 8 टी बेलून बिक्री दाम के 1 टाँह कारण से सबुत बेलून को 1 टाँह किणी सबुतक बेलून को 1 टाँह बिकले तो मैंने 8 टी मोट बेलून है 18 तो 8 टी बेलून को से 1 टाँह बिकले तो मैंने 8 टी बेलून बिक्री दाम है 1 टाँह तो देख किणा दाम ठारूँ बिक्री दाम कम हुए तो आमर कौन हुए क्षति हुए तो यूर आम जान लें से जो बेलून को 2 टाँह किनी सबको बिकले 1 टाँह तो क्षति है तो आम एक क्षति लिखा के ना क्षति है क्रय मूल्य माइनस बिक्रय मूल्य तो 2 रु 1 गले कतला क्षति 1 टाँह है क्षति तो सी आम पचार शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हम तो जदि आमर क्षति हूँ तो आम शतकड़ा क्षति बाहर करवा जदि लाभ होता तो आम शतकड़ा लाभ बाहर करते तो देख आम क्षति होतीपर आम कौन बाहर करवा शतकड़ा क्षति तो शतकड़ा क्षति सूत्र पकेबा तो क्षति बाय क्रय मूल्य × 100 तो क्षति है के 1 टाँह तो क्रय मूल्य केते टाँह 2 टाँह गुण 100 तो 2 रे आम 100 कटिगले 50 रे कटिजी तो हेल्ला आमर के 50 शतकड़ा क्षति है तापर आम अतएव देख लिखिदबा अतएव सबुतक बेलून को 1 टाँह बिकले 50 शतकड़ा क्षति हे है तो पाने जदि तुम मैंने भिडियोटी देखी बुझिपारना तुम भिडियोटी पछुक करके आउ थे देखने आराम से बुझीपर जदि भी तुम न बुझीपार तो मैंने मत कमेंट कर नेक्स्ट भिडियो तुम मानक आहरी धीरे स्लो भाव सरल भाव बुझेबी ठीक अच्छे तो तापर देख 4 नंबर तो 4 नंबर कौन दे ना रहीम बाबू 800 टाँह चाउल किणिले कि चाउल 3/4 अंश को 10 शतकड़ा लाभ और अवशिष्ट अंश को 10 शतकड़ा क्षति में बिकले तेरे समस्त चाउल बिक्री
शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हैला हैला। तो देखो कौन लिखा ना मोट चाउल क्रय मूल्य केते टा 800 टा है कहीं रवि बाबू 800 टकर चाउल कि मैंने मोट चाउल क्रय मूल्य है 800 टाँग तब देखिए चाउल तीन बै चार अंश को 10 शतकड़ा लाभ रे तब देख चाउल तीन बै चार अंश को 10 शतकड़ा लाभ रे बिक्री कले तमाने 800 टकर मोट चाउल को चाउल तीन बै चार अंश को 10 लाभ रे बिक्री कले तो आम प्रथम बाहर करवा जो तीन बै चार अंश चाउल से कते टकर तो आम कौन करवा ना 800 गुणन तीन बै चार करदे तो तीन बै चार अंश जो चाउल सी के टकर आम बाहर कते टाँग बाहर ना ये चार 800 कटिगले के दुई दुई तीन छ सरी जो दुई दुई तीन छःश हे तो मैंने 600 टकर चाउल तीन बै चार अंश चाउल जहाँ 600 टकर चाउल है तो 600 टकर चाउल से 10 शतकड़ा लाभ रे बिक्री कले तो 10 शतकड़ा आम बाहर करवा 600 तो 600 गुणन 10 बै 100 तो कत 60 टाँग ता मैंने सी जो तीन बै चार अंश चाउल को 600 टकर चाउल को सी 60 टाँह है 60 टाँह लाभ रे बिक्री कले तो मैंने बिक्री मूल्य के क्रय मूल्य प्लस लाभ तो मैंने 600 से कि बा 60 टकर बिकले तो मैंने 660 टाँह बिकले कौन ना तीन बै चार अंश को सी 660 टकर बिकले तो बाकी अवशिष्ट चाउल है तो अवशिष्ट चाउल आत रहा 600 टकर चाउल को तो सी बिक्री कले तो अवशिष्ट चाउल के अवशिष्ट चाउल क्रय मूल्य है 800 माइनस 600 200 टाँह है तापर जो 200 टकर जो चाउल अच्छी से कौन कले ना 10 शतकड़ा क्षति में बिक्री कले तो 200 टकर 10 शतकड़ा बाहर करवा कि 200 गुण 10 बै 100 100 दुने हेला 200 2 दशा 20 तमें जो 200 टकर 10 शतकड़ा हूँ 20 टका तो मैंने से 200 टकर चाउल को 20 टका क्षति में बिक्री कले तो मैंने बिक्री मूल्य के क्रय मूल्य माइनस क्षति तो 200 रु 20 गले 180 तमें से 600 टकर चाउल को कौन जो 60 टाँह लाभ 10% लाभ बिक्री कले आ 200 टकर चाउल को सी 10% क्षति बा 80 टकर बिक्री कले 20 टकर मोट 20 टकर क्षति में बिक्री कले तो देख तम आम बाहर करवाबे से कौन देता जो तेबे समस्त चाउल बिक्री शतकड़ा के लाभ बा क्षति मोट उपरे लाभ बा क्षति है तो आम देखा तो मोट चाउल बिक्री मूल्य के तो 660 प्लस 180 मिसीगे 840 मोट चाउल को सी बिकले 840 किंतु मोट चाउल को सी कि 800 टकरे तो देख 800 टकर मोट चाउल को बिकिंट कि प्रथम से देखिए क्वेश्चन ने रवि बाबू 800 टकर चाउल कि मैंने किणा दाम 800 तो बिक्री दाम है 840 तो आम देख कि दाम ठार बिक्री दाम अधिक है तो कौन है लाभ है तो आम लाभ सूत्र पकेबा तो मोट उपर लाभ है कौन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 840 रे से बिकी क्रय कि 800 टकर तो मोट उपर लाभ है 40 टाँग तो सी आमको देखिए कौन शतकड़ा लाभ बाहर करने तो शतकड़ा लाभ आम सूत्र पकईद तो लाभ बै क्रय मूल्य इंटु 100 तो 40 बै 80 तो लाभटा होता है 40 टाँग आउ क्रय मूल्य के मोट कि 80 टकर गुण 100 है ताको आम काटिद तो तुमको गोटे काटिके देखेद तुम्हें आराम से काटिपार तो देख 40 बै आम लिखे कौन क्रय मूल्य 800 गुण के 100 है तो ये देख दुईटा शून कटिगला 8 रे 40 काटले 5 तो आम लिखे के 5 शतकड़ा है तो मोट उपर 5 शतकड़ा लाभ है तो अतए लिखा समस्त चाउल बिक्री में 5 शतकड़ा लाभ है। पांच नंबर देख दी जड़े माल गोदाम व्यवसायी 800 टंका मूल्यर कि चाउल बस्ता को 10 शतकड़ा लाभ रखी खुचुरा दोकानी को बिक्री कला खुचुरा दोकानीटी से ही चाउल बस्ता को 15 शतकड़ा लाभ रखी ग्राहक को बिकला तेरे ग्राहक जनक केते दाम नहीं चाउल बस्ताटी कि तो प्रथम तुम मैंने क्वेश्चन को बुझे कौन देखिए देख ना जड़े माल गोदाम व्यवसायी 800 टका मूल्य कि चाउल को तमें से मोट केते टका चाउल कि 800 टका तो चाउल को अवस्था को 10 शतकड़ा लाभ रखी खुचुरा दोकानी को बिक्री कला तमें से जो 800 टका चाउल आनला
ତା ଉପରେ ସେ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ରଖି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀକୁ ବିକ୍ରି କଲା। ତା ମାନେ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଟଙ୍କାରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ମିଶିଲେ ଯେତିକି ହେବ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କଲା କାହାକୁ, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀକୁ। ବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଲା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ, ତାହେଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ କିଣିଲା ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳ ସେ 15% ଲାଭ ରଖି ଗ୍ରାହକକୁ ବିକିଲା। ତ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ କେତେ ଦାମ୍ ନେଇ ଚାଉଳ କିଣିଲା? ତା ମାନେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେବ, ଗ୍ରାହକର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେ ହେବ। ତ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ମାଲ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ 800 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ କିଣିଲେ, ହେଲା। ତା ମାନେ ଚାଉଳର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 800 ଟଙ୍କା। ତ ସେ ଲାଭ ରଖିଲେ କେତେ, 10 ଶତକଡ଼ା। ତ 800 ଟଙ୍କାର 10 ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେବ, ତୁମେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଦେଖ 800 × 10/100, ତ 100ରେ 800 କଟିଲେ 8, 8 × 10 = 80। ତା ମାନେ 80 ଟଙ୍କା, ହେଲା। 800 ଟଙ୍କାର 10 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ସେ 80 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀକୁ ବିକିଲେ। ତା ମାନେ ସେ ବିକିଥିବେ କେତେରେ, ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 800, ଲାଭ ହେଲା 80, 880 ବିକିବେ। ତ ମାଲ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଚାଉଳର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 800 + 80, ତ 880 ଟଙ୍କା। ମାଲ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। କାରଣ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀକୁ ବିକିଛନ୍ତି, ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ଦାମର କିଣିଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଲଗୋଦାମୀର କ'ଣ, ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ହେଲା। ତୁମେ ଲେଖିବା ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର ଚାଉଳର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 880 ଟଙ୍କା, ହେଲା। କାରଣ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିକିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ଚାଉଳକୁ କିଣିଲେ 880ରେ, ଇଏ ସେଥିରେ 15% ଲାଭ ରଖି ଗ୍ରାହକକୁ ବିକିଲେ। ତ ଆଙ୍କର ଲାଭ କେତେ ହେଲା, 15 ଶତକଡ଼ା। ତ 880ର 15 ଶତକଡ଼ା ଆମେ କାଢ଼ିବା। ତ 880ର 15 ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେବ, ସେଭଳି କାଢ଼ିବା 880, ହେଲା। ତ 880 ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି, 880ର 15 ଶତକଡ଼ା ବା ମୁଁ ଲେଖିବା 880 ହେଲା ଗୁଣନ 15/100, ହେଲା। ତ ଆମେ କେମିତି କାଟିବା ନା, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତ 5ରେ 15କୁ କାଟିଲେ 3, ଆଉ 5ରେ 10କୁ କାଟିଲେ 2, ତ 2ରେ 88 କାଟିଲେ ହେଲା 44, ତ 44ରେ ଆମେ 3 ଗଲେ ହେଲା 132 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ 15 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ରଖିଲେ, ତ 880ର 15 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା, 132 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଗ୍ରାହକର କିଣା ଦାମ, ହେଲା। ତ ଗ୍ରାହକର କିଣା ଦାମ କେତେ ହେଲା, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେବ, ଗ୍ରାହକର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେ ହେବ। ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତୁମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗ୍ରାହକର କିଣା ଦାମ ବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତ କେତେ ହେଲା, 1012 ଟଙ୍କା ବା 1012 ଟଙ୍କା ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକର କ'ଣ, କିଣା ଦାମ। ତତେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ 1012 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି କିଣିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 5ଟା ନଡ଼ିଆକୁ 24 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କିଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କଲା, ତେବେ ତା'ର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 5ଟା ନଡ଼ିଆକୁ 24 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ହେଲା। ତ 5ଟା ନଡ଼ିଆକୁ ସେ 24 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲସ୍କୁ ନେଇଯିବା। 5 ଆଉ 3ର ଲସ୍ କେତେ ହେଲା, 15, ହେଲା। ଦେଖ 5 ଆଉ 3ର ଲସ୍ ହେଲା 15। ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ, ଦେଖ ତ ଯଦି 5ଟି ନଡ଼ିଆର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 24 ଟଙ୍କା, ହେଲା, କାରଣ ସେ ଦେଇଛି 5ଟି ନଡ଼ିଆ 24 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ 5ଟି ନଡ଼ିଆର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 24 ଟଙ୍କା। ତେବେ 15ଟି ନଡ଼ିଆର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, 24 × 3, କାରଣ 15ଟି ନଡ଼ିଆ କେମିତି ହେବ, ଆମେ 5 5 5 ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ନେବା, ତ ଆମର 15ଟି ନଡ଼ିଆ ହେବ। ତ 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ ହେଲା କେତେ, 24 ଟଙ୍କା। ତ ଆଉ 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ ହେଲା 24 ଟଙ୍କା, ତ ଆଉ 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ ବା କିଣା ଦାମ ହେଲା କେତେ, 24। ତ 3ଟି 24 ମିଶାଇବା ଯାହା, ଆମେ 24ରେ 3 ଗୁଣିଦେବା ସହିତ ସମାନ, ତାମାନେ 15ଟି ନଡ଼ିଆର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା, 72 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 3ଟି ନଡ଼ିଆର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା 15ଟି ନଡ଼ିଆର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା,
तो सी देख तीनोटी नड़िया तीन रु पंदर कमी हे तीन पंचा पंदर से भाई कोड़े पंचा आम शहे तो मैं तीनोटी लेखाएं नड़िया आम पांच थर कि पंदर नड़िया हे तो सब कोड़े कोड़े टाँग पांच थर दे आम शहे टाँग हम तमें पंदर टी नड़िया बिक्री मूल्य है शहे टाँचा आउ से ही पंदर टी नड़िया कारण आम पंदर पंदर सामान होगा तो पंदर टी नड़िया क्रय मूल्य चौबास्त होगा बेले पंदर टी नड़िया बिक्रय मूल्य के शहे टाँचा होता हिसाब से प्रश्न अनुजाई है आम देख पंदर टी नड़िया क्रय मूल्य बास्तरी कि बिक्रय मूल्य है शहे है तो आम जानले थोड़ा आम लाभ है तो आम कौन बाहर करवा लाभ सूत्र पकड़ा तो लाभ है शहे माइनस बास्तरी सामान है अठाई टाँचा तो आम पकईदे शतकड़ा लाभ तो शतकड़ा लाभ पकईदे तो कौन लाभ बै क्रय मूल्य इंटु शहे तो लाभ है अठाई टाँचा क्रय मूल्य देता बास्तरी गुणन शहे तो आपको आम कौन करवा काटले बहुत समय लगे आम गुणीद सीधा अठाई से शहे गुणले अठाईस बाई बास्तरी तो तुमने काटा चेषा करा तो आम के अड़तीस दशमिक आठ शतकड़ा है तो पाने आशा कर बहुत भल भाव बुझीपार देख ये क्वेश्चन गुड़िक बहुत सरल बहुत इजी क्वेश्चन तुमने पढ़ले आराम से कर ठीक है जदि सूत्र को तुमने भल भाव बुझीपार क्वेश्चन को भल से बुझीपार तो तुम्हें आराम से कर बहुत इजी क्वेश्चन ठीक अच्छे आउ तुम मोर गोटे रिक्वेस्ट रि तुम मूँ जब भिडियो भल लगुच लाइक कर आ तुम मान सांग सहित।